Hello and welcome to yet another video of learning Sanctuary System. सो आई होप यूर दिवाली वॉज गुड आपने बहुत ज्यादा इंजॉय किया होगा बहुत सारे पटाखे जलाए होंगे बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होंगी बहुत ज़्यादा मस्ती की होगी बट नाउ लेट अज मूव ऑन टू स्टडीज बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ज्यादा नज़दीक है यू ओनली हैव टू टू थ्री मंथस फॉर कंप्लीटिंग ऑर होल सिलेबस एंड टू स्कोर गुड मार्क्स एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस फेस्टिवल आई वॉज नॉट एबल टू पोस्ट वीडियोज़ एंड ऑबियसली अगर मैं पोस्ट करती भी तो आप लोग पढ़ते नहीं देट वॉज दैट इज़ वाई आई डेंट पोस्ट एनी वीडियोज सो सॉरी for that uh, so let us begin with today's topic so in our last video we discussed about the dalton's atomic theory and atom but now in this video we are going to discuss about the molecules ions and how to write the chemical formulas okay so without any further delay let's move on to our today's topic so in our last video we discussed one question that why atoms cannot survive independently we discussed कि क्या ऐटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं सो आई आंसर यू गैस दैट नो एटम्स कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली अब उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो एटम्स होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ़ मैटर जिसके आगे जो फर्दर डिविजन है वो पॉसिबल नहीं होता है तो क्योंकि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इतने स्मॉल पार्टिकल है जिसको हम नेकेड नेगेटाइज से व्यू भी नहीं कर सकते हैं तो दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो वो जो है वो हमारे इन्वामेंट में इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं होते हैं यानी कि अगर वो इंडिविजुअली हो डिपेंडेंटली हो तो दे आर नॉट स्टेबल इन अवर इन्वायरमेंट दैट इज वाई द एइटम्स कंबाइन और ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म इधर मोलिक्यूल्स और आयस सो वॉट इज मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम्स दैट कंबाइंड केमिकली विथ ईच अदर यानी कि जब भी कोई ढेर सारे आइटम्स केमिकली कंबाइन करके कुछ बनाते हैं सो दैट इज नोन एज मोलिक्यूल्स सो अब ऑब्वियसली एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो किसी एनर्जी के थ्रू किसी फोर्स के थ्रू कंबाइन करे होंगे सो वॉट इज दैट फोर्स कॉल्ड दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो दीज एटम्स आर बाउंड टूगेदर बाय द सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाउ एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स देखो तो मॉलिक्यूल्स जो है वो दो तरीके से बन सकते हैं या तो सेम एलिमेंट के एटम मिल के मॉक्यूल बना सकते हैं या तो डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं सो so, मॉलिक्यूल्स जो है वो फर्दर क्लासीफाइड होते हैं मालिक्यल्स ऑफ एलिमेंट्स में एंड मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में सो एक और लास्ट पॉइंट है दैट इज देअर फोर अ मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस तो एटम तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता नहीं है ऐटम किस फॉर्म में, जाता में हो जाता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ज्वाइन करके क्या बना देता है मॉलिक्यूल बना देता है तो मालिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटांस का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और उस सबस्टांस की सारी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है शो करता है ओके okay. मूव ऑन टू द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स ना हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है सो दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि अगर ऑक्सीजन हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं उस एलिमेंट में जितने भी एटम हैं दे विल ऑल भी सिमिलर वो एक तरह के होंगे सो so, इस तरह की को इस तरीके के मॉलिक्यल्स को हम लोग क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स यानी कि मॉिक्यूल्स जो एलिमेंट हो एलिमेंट के होते हैं दे आर ऑल मेडअ ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम सो देर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स फॉर एग्जाम्पल हीम जो है इट इज मेडअप ऑफ ओनली वन ऐटम हीलियम जो होता है क्या होता है मोनोअटोमिक होता है क्योंकि वो एक ही तरीके के एटम से बना होता है ऑक्सीजन जो है वो दो तरीके के एटम से बना होता है बिकॉज ऑक्सीजन क्या है डायटॉमिक है ना अटोमिसिटी क्या होता है अटोमिकसिटी बेसिकली जैसे हमने बोला कि ऑक्सीजन में कितना है दो एटम है तो हमने उसे डायटॉमिक बोला हीलियम में एक एटम है तो हम लोग उसे मोनो अटोमिक बोला तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितना एटम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका अटोमिसिटी डिसाइड करते हैं सपोज अगर हम बोलते हैं सल्फर तो सल्फर जो है वो क्या होता है पॉलीटॉमिक है पॉलीटॉमिक क्यों है बिकॉज उसमें एट एटम्स होते हैं एंड अगर दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो डैट इज नोन एज अ पोलियोटोमिक आइटम्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं एटम बोलते हैं सो so, हीलियम क्या है मोनोटोमिक है एंड ऑक्सीजन क्या है डायोटोमिक है ना मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड मॉलिक्यूल जो होते हैं कंपाउंड के वो जो होते हैं उसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक like, वाटर का एक्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो वाटर्स में क्या है दो तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट है हाइड्रोजन एलिमेंट है ऑक्सीजन एलिमेंट है ऑब्वियसली अब ये दोनों जो एलिमेंट है इन दोनों में तो अलग अलग एटम्स होंगे हाइड्रोजन के एटम्स अलग होंगे ऑक्सीजन के आइटम अलग होंगे हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टीज केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी जबकि ऑक्सीजन के एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी अलग होंगी सो मॉलिक्यूल जो होते हैं कंपाउंड के वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर क्या होते हैं बने होते हैं जो कि फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया था इन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स दो तरह का होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अटोमिसिटी क्या होता है अटोमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल जितना भी एटम्स किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका अटोमिसिटी डिसाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल मोनाटोमिक डायटॉमिक ट्राटोमिक टिट्राटोमिक इस तरीके के होते हैं ओके ना आयंस क्या होते हैं सो आयंस आर द कंपाउंड कंटेन मेटल एज वेल एज नॉन मेटल तो उस तरीके के कंपाउंड जिसमें मेटल भी प्रेजेंट हो और नॉन मेटल भी प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयंस बोलते हैं सो दीज एलिमेंट इंक्लूड चार्ज चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन जिसे हम लोग एच प्लस बोलते हैं हाइड्रोजन आयन तो वो क्या है एक क्या है पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या होता है कटायन होता है उसी तरीके से हम लोग ऑक्सीजन आयन बोलते हैं ऑक्सीजन आयन क्या है नेगेटिवली चार्ज आयन है माइनस तो दैट इज अनायन तो आयन जो है इट इज फर्दर क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स दैट इज द अनायन एंड द कटायन बिकॉज आयन जैसे ही टर्म आता है इसका मतलब है कि स्पीसीज क्या है चार्ज है एलिमेंट क्या है चार्ज है आयन का मतलब ही क्या होता है चार्ज ना आयन जो है वो फर्दर दो भाग में क्लासीफाइड होता है अनायन एंड कटायन अनायन का मतलब क्या होता है नेगेटिव एन कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव सो अनायन इज द नेगेटिवली चार्ज एन एंड कटायन इज द पॉजिटिवली चार्ज एन ओके सो देयर कैन बी अ सिंगल चार्ज आइटम इन इन आयन और देयर मे बी अ ग्रुप ऑफ चार्ज आइटम इन एन दैट हैव नॉट चार्ज ऑन द कम्पाउंड डेट है कंपाउंड तो किसी भी आयन में या तो सिंगल चार्ज आइटम हो सकता है और या फिर ग्रुप ऑफ चार्ज ऐटम हो सकता है ठीक है वो कंपाउंड पर डिपेंड करता है कि उसमें सिंगल चार्ज आइटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ चार्ज ऐटम होगा ठीक है नॉट इट अज मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप ऑफ एटम कैरीज अ चार्ज अ कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज अ पॉली अटोमिक आयन तो अगर किसी भी आयन में एक चार्ज एटम है सिंगल चार्ज एटम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनो ऑटोमिक आयन बोलते हैं सिंगल है इसका मतलब मोनो आयन हो गया एंड अगर एक से ज्यादा उसमें चार्ज एटम्स प्रेजेंट है अगर एक से ज़्यादा चार्ज एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी आयन में तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं पोलियोटोमिक आयन बोलते हैं तो अगर हम लोग सिंपल एग्जाम्पल uh, लेते हैं तो मोनोआटोमिक आयन H प्लस क्या हो जाएगा H प्लस इज़ अ मोनोआटोमिक आयन बिकॉज इसमें सिंगल चार्ज एटम है इसमें क्या है सिंगल चार्ज एटम है दैट इज़ वाई ये क्या है मोनोटॉमिक आयन है और अगर हम लोग एच टू ओ की बात करें इट इज़ अ पोलियोटॉमिक आयन क्या है ये पोलियोटॉमिक आयन है उस तरीके से हम लोग ओ टू माइनस की बात करें तो इसमें क्या है दो चार्ज आइटम है ना दो चार्ज आइटम है तो दिस इज ऑल्सो अ पोलियोटोमिक आयन ओके तो अगर सिंगल चार्ज आइटम प्रेजेंट होगा तो डैट विल बी अ मोनोटॉमिक आयन एंड अगर डबल चार्ज आइटम प्रेजेंट होगा तो डैट विल बी अ पॉलियोटोमिक आयन ओके नव केमिकल फॉर्मूला सो वी यूज केमिकल फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स तो अगर हम लोग किसी भी कम्पाउंड को सिम्बल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग कलते हैं केमिकल फॉर्मूला बोलते, chemical formula बोलते अब हाउ डू वी राइट द केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है सो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें सबसे पहले सिंबल्स पता होने चाहिए एलिमेंट्स के जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सो यू शुड मस्ट रिमेंबर एटलीस्ट द सिंबल ऑफ़ फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स के सिम्बल आपको याद रखने ही होंगे बिकॉज इसका कोई और ट्रिक नहीं है यू विल हैव टू रिमेंबर द सिंबल्स ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स तभी आप किसी भी कंपाउंड uh, का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा लिख पाओगे ओके okay, उसी तरीके से आपको वैलेंसी भी याद करनी पड़ेगी स्टार्टिंग की कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी याद करने का भी ट्रिक है बट वो आपके अभी इनिशियल क्लासेस में नाइन्थ क्लास में आपको नहीं बताया जाएगा वो आप फर्दर इलेवेंथ ट्वेल्व में पढ़ोगे कि किस तरीके से सेल्स और सब सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सो so आपको सिंपली अभी याद ही करना पड़ेगा बट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरीके से वैलेंसी जो है वो एलिमेंट की डिसाइड होती है ओके okay. सो वी फॉर राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला वी मस्ट नो टू थिंग्स दैट इज द सिंबल ऑफ द एलीमेंट एंड द बैलेंसी जैसे हमने हाइड्रोजन का एच देखा था हीम का एच ई देखा था उसी तरीके से हमें उसका सिंबल जो है वो पता होना चाहिए एलिमेंट का कि क्या होता है और बैलेंसी पता होना चाहिए ना वैलेंसी क्या होती है सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपैसिटी ऑफ एन एलिमेंट वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपैसिटी ऑफ एन एलीमेंट और अगर हम, मैं डिफरेंट वर्ड्स में मतलब सिम्पल वर्ड में अगर बोलूँ तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि बाउंड नहीं है जो सिंगल सिंगल है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम उसको बोलते हैं जो कि अवेलेबल रहता है कंबाइन करने के लिए अनदर एलिमेंट से ठीक है किसी भी एलिमेंट में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है टू कम्बाइन विद एलिमेंट ओके

गेन करता है अब ये क्यों हो रहा है मैं अभी आपको समझा देती हूं सो so, किसी भी एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स वो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं दो सेल्स आर नेम्ड एज के एल एम एन एंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इन सेल्स में उन्हीं के बेसिस पे हम बेसिकली वैलेंसी जो है वो एलिमेंट्स क्या करते हैं डिसाइड कर सक करते हैं सो के सेल्स में टू इलेक्ट्रॉन्स आप प्रेजेंट के सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एल सेल्स में एट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एम सेल्स में एटीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड अल्टीमेटली जो एन सेल है उसमें कितने होते हैं थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ओके सो so, अगर हम यहाँ पे बात करें के एल एम एन तो अगर हम हाइड्रोजन ले एज फॉर एग्जाम्पल तो हाइड्रोजन का ऑटोमिक नंबर क्या होता है वन होता है तो उसके के सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे एक इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड के सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होने चाहिए दो होने चाहिए तभी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा स्टेबल होगा पर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टेबल नहीं है इसके इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल होने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और या तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है बट बेसिकली जो हाइड्रोजन आयन होता है वो एज अ कटैन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कटैन का मतलब कि पॉजिटिव साइन होता है तो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है डोनेट कर देता है ताकि वो क्या हो जाए बैलेंस्ड हो जाए ठीक है तो ये एक जो है ये वन इलेक्ट्रॉन इट इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड क्योंकि ये डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन को इसी वजह से हाइड्रोजन का हम लोग क्या करते हैं प्लस साइन देते हैं और अगर हम हीलियम की हीलियम की बात करें तो हीलियम का तो ही टू तो तो होता है सो तो अगर हम लोग टू को इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्स में तो टू तो यहां पर आ गया यानी कि इसका कॉन्फिग्रेशन क्या स्टेबल है के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए दो होने चाहिए और दो है यानी कि कंप्लीट है अब इसको किसी भी तरीके से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है इसी वजह से जो हीलियम की बैलेंसी क्या होती है वो क्या होती है जीरो होती है एंड हीलियम जो होता है वो चार्ज्ड नहीं होता इट इज़ नॉट अ चार्ज्ड स्पीसीज और नॉबल कैसे ये चार्ज्ड नहीं होता है और अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है एट तो यहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दो यहां पे आ जाएगा के सेल्स में एंड छे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एल सेल्स में पर एल सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है एट इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कम है तो ऑब्वियसली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगोरेशन अचीव करने के लिए या तो ऑक्सीजन को छः इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा और या तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा गेन करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली छः इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ज़्यादा ईजी है दो इलेक्ट्रॉन गेन करना इसी वजह से जो ऑक्सीजन की बैलेंसी है वो क्या होती है टू होती है एंड हम लोग इसको माइनस साइन इसी लगाते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर रहा है गेन करने का मतलब है कि माइनस साइन आएगा एंड डोनेट करने का मतलब है कि प्लस साइन आएगा ओके दैट इज इट हम लोग इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स की वैलेंसी भी डिसाइड करते हैं सो लेट अस सी द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट टेन एलिमेंट्स ज हाइड्रोजन का वन होता है सिंबल इज एच हीलियम का एच ई सिम्बल होता है वैलेंसी जीरो जितने भी नॉर्बल गैसेस होते हैं नॉर्बल गैसेस मतलब हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनॉन एंड्रिडॉन जितने भी नॉर्बल गैसेस होते हैं सबके जो वैलेंसी है दैट विल बी जीरो बिकॉज उनका स्टेबल कॉन्फिगोरेशन होता है उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल कॉन्फिगोरेशन में रहता है दैट इज वाई देयर वैलेंसी इज ऑलवेज जीरो ओके नॉलीथियम जो है लिथियम का सिम्बल एल आई होता है एंड वेलेंसी अगेन वन अभी मैंने एक्सप्लेन किया था उस तरीके से बेरिलियम जो है वो भी अपना स्टेबल क्वालिफिकेशन कैसे अचीव करता है दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अचीव करता है तो बी ई टू प्लस हो गया बोरोन का बी हो गया तो इसका कितना होता है थ्री होता है वैलेंसी बी थ्री प्लस उसी तरीके से कार्बन की फोर होती है नाइट्रोजन का थ्री होता है ऑक्सीजन का टू फ्लोडिन का वन एंड न्योन का अगेन जीरो बिकॉज न्योन इज अ नॉबल गैस सो यू शूड रिमेंबर द वैलेंसी ऑफ एटलीस्ट डीज एलिमेंट्स ना रूल्स क्या क्या है केमिकल फार्मूला को राइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों आइन्स की जो हो होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए क्या चाहिए? होनी चाहिए बैलेंस्ड होनी चाहिए और इन केस अगर दोनों मेटल एंड नॉन मेटल अगर प्रेजेंट है तो हमेशा मेटल का जो नेम है वो पहले लिखा जाता है फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम क्लोराइड का नेम कैसे लिखते हैं एन ए सी एल लिखते हैं इसमें क्या है एन ए क्या इज अ मेटल एंड एस सी एल इज़ अ नॉन मेटल तो जो कभी भी अगर किसी कंपाउंड में मेटल एंड नॉन मेटल दोनों आ रहा है तो वी विल राइट द नेम ऑफ मेटल फर्स्ट यानी कि सोडियम अगर सोडियम क्लोराइड है तो वी विल राइट द नेम ऑफ सोडियम फर्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो हम लोग वी विल राइट द नेम ऑफ एल्यूमिनियम फर्स्ट बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल एंड क्लोरिन इज़ अ नॉन मेटल्स ओके नाउ हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला किस तरीके से केमिकल फार्मूला लिखा जाता है तो इसका मैं आपको ट्रिक बताती हूँ सिंबल लिखना होगा किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सिंबल लिखना होगा फिर उसके बाद उनकी वैलेंसी लिखनी पड़ेगी देन क्रॉस ओवर करना पड़ेगा इसका मतलब अब क्या है तो सबसे पहले हमने सिंबल लिखा लाइक हमें सोडियम क्लोराइड का हमें फॉर्मूला लिखना है तो सोडियम क्लोराइड है तो हमने एनए लिखा सोडियम फिर क्लोराइड का सी ए लिख दिया नाउ एनए की वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की वैलेंसी सोडियम की वैलेंसी होती है वन क्लोडीन की वैलेंसी भी होती है वन ठीक है अब दोनों को क्रॉस ओवर करने क्रॉस ओवर मतलब क्रॉस ओवर ठीक है तो क्या होगा फॉर्मूला एन ए सी एल हो जाएगा अगर हम ये तो हो गया बहुत सिंपल बिकॉज दोनों की वैलेंसीज क्या है वन वन है ठीक है अब एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं ए एल सी एल एल्यूमिनियम का क्या होता है थ्री होता है ना वैलेंसी एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है थ्री एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है वन अगेन क्रॉस ओवर तो एल सी एल थ्री यानी कि जो इसकी वैलेंसी है एलुमिनियम की वैलेंसी है वो क्लोरीन के साथ आ, हम लोग राइट करेंगे एन जो क्लोरीन की वैलेंसी विल राइट इट विल राइट इट विद एल ओके सो क्रॉसिंग ओवर होगा उसी तरीके से अगर सोडियम ऑक्साइड की बात हो रही है एन ए और ओ तो सोडियम की वैलेंसी हो गई वन ऑक्सीजन की टू Over होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो इस तरीके से हम chemical formula लिखते हैं तो अभी मैंने की बात थी तो सोडियम और aluminium की तो तो मैंने बताया नहीं थी valences, तो उसी तरीके से हम एल एम एन अब सोडियम जो है सोडियम का अटोमिक नंबर होता है इलेवन तो इसमें आ गया टू इसमें आ गया एट और इसमें रह गया एक तो ऑब्वियसली एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सात इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता है कोई कोई भी एलिमेंट जो है वो सात इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नहीं करेगा ना तो ये ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा लीव कर देगा ताकि इसका स्टेबल कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाए अचीव हो जाए तो इसीलिए एन की जो वैलेंसी है वो होती है वन और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का टॉमिक नंबर होता है एटीन थर्टीन तो टू एट थ्री तो वही बात हो गया एट होता है ना इसमें एट होना चाहिए तो ये पांच इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से ले नहीं सकता है बट ये थ्री इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है दे सकता है तो थ्री जो है इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी तो एलुमिनियम की वैलेंसी क्या होती है थ्री होती है ओके

उसके बाद मैं आपको प्रॉपर सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराऊँगी ताक, uh, ताकि आपका एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए आप एटलीस्ट अबब नाइन्टी स्कोर कर पाओ हर सब्जेक्ट में नाइन्टी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट स्टिल एटी फाइव के अब तो स्कोर कर ही पाओ इतना सा तो मैं आपको करा ही दूंगी प्रिपरेशन ओके और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हो अच्छा लग अच्छी लगती हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो हिट द बेलाइकन ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसी मैं वीडियो पोस्ट करूँ ओके बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो